नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर 9136934065 पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। दो मेहमान हैं हमारे साथ, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और हरीश शाही है कमोडिटी एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों से के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे खाने के तेल को लेकर। एक खबर हमारे पास ये आ रही है कि खाने के तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को देश में बढ़ाया जा सकता है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है और साथ ही किसानों को बेहतर भाव मिले, इसके लिए ये कदम जल्द उठाया जा सकता है और इसकी सिफारिश खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की तरफ से भी की गई है और मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसे खुद अमित शाह चेयर कर रहे हैं और वो जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं और इसका डिसीजन आ सकता है। अभी खाने के तेल के इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो इफेक्टिव ड्यूटी है क्रूड सोया तेल, क्रूड सूरजमुखी तेल और क्रूड पाम तेल पर करीब 5.5% और रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सोया तेल और रिफाइंड सूरजमुखी पर 13.75% यानी करीब 14% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब सोयाबीन को देखिए, मूंगफली को देखिए, उन दोनों के दाम MSP के नीचे पहुंच गए हैं। इससे यहां पर चिंता बनी है कि जब हम रबी सीजन में जाएंगे तो क्या सरसों की स्विंग तो कम नहीं हो सकती। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और साथ ही हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि पाम तेल में जो लगातार 5वें सत्र में तेजी रही है, हफ्ते भर में 7% दाम बढ़े हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, नकुल रस्तोगी हैं, ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं पैसिफिक इंटरलिंक SDN VSD से मलेशिया से, और साथ ही संदीप भान हैं, CEO हैं SD Guthrie इंटरनेशनल ट्रेडिंग से, सिंगापुर से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, पाम को लेकर सर क्या खबर है? लगातार यहाँ पर तेजी का रुख दिखा, लगातार 5वें दिन तेजी दिखी है, 6 हफ्ते की सबसे लंबी रैली है ये, आगे क्या लग रहा है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होती रहेगी? देखिए, अभी जो लेटेस्ट में हुआ था, अभी पिछले हफ्ते अनाउंस करा था इंडोनेशिया में 340 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस साल 1 जनवरी से, जो अपने आप में थोड़ी बड़ी फ्रेंडली न्यूज थी मार्केट। उसके बाद फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट उन्होंने बोला कि 340 के बदले हम चाहते हैं कि 350 में आ जाए, तो उससे और मार्केट में थोड़ी सी तेजी ला दी। उसके चलते चलते चाइना के फंड से, चाइना के लोकल एक्सचेंज रैलियन में भी बहुत जबरदस्त तेजी आ गई। उस तेजी का जो आगे बढ़ते 4000 रिंगे क्रॉस किया, पर अब 4000 रिंगे थोड़ा थम गया, थोड़ा सा ठहराव आगे, क्योंकि कंपीटिंग ऑयल पाम ऑयल से वो नीचे जा रहे, इससे पाम ऑयल को थोड़ा सा स्टॉप ओवर हो। संदीप जी, एक और हमारा सवाल होगा, ब्लेंडिंग रेट्स को जो बढ़ाने का जो मैंडेटरी किया जाएगा 50% इंडोनेशिया सरकार अगले साल से कर सकती है, हालांकि क्रूड की कीमतों में नरमी भी दिख रही है, इस तरह के फैसले की के पीछे वजह क्या हो सकती है और आगे पाम पर इसका क्या असर होगा? सर संदीप जी, अभी उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट करी है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, चलिए अब आपके नकुल जी आप बने रहिए। संदीप जी, नकुल जी आप बताइए, पाम को लेकर आपका आउटलुक क्या है, किस तरफ दाम आगे जाते देख रहे हैं आप? पाम का जो संदीप ने बोला अभी वो तो सही है कि जो जिस तरीके से ड्यूटी के बारे में, जो बायोडीजल के बारे में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने बोला या प्रेसिडेंट इलेक्ट ने बोला, वो पॉइंट अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग फील कर रहे हैं वो है टाइटनेस। जैसा कि हर साल सीजनली इंक्रीज होता है प्रोडक्शन मलेशिया इंडोनेशिया में, जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलता है, वैसा सीजनल इंक्रीज दिखाई नहीं दे रहा जो इस तरीके से बढ़ना चाहिए प्रोडक्शन, और इंडोनेशिया का तो हाल काफी खराब है। अब ये क्यों है, कहाँ है, कहाँ पे माल रुक रहा है, ये कुछ स्पष्ट पिक्चर निकल के आती नहीं है इंडोनेशिया से। मलेशिया का भी हार्डली 2-4% प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा सप्लाई कंस्ट्रेंट है। लेकिन डिमांड साइड बहुत अच्छी डिमांड चल रही है पाम की। आप देखिए, अगर हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स मलेशिया के वो पिछले महीने के मुकाबले कम है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में अच्छे हैं। और ये क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड को पाम ऑयल के बिना काम नहीं चल सकता। ये साइंडर भी वाले, SD गदरी वाले संदीप बान सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि पाम जो फैट्स के लिए जाता है, स्पेशली फैट्स के लिए, उसको आप सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर वगैरह से
सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसलिए पाम की डिमांड अच्छी चल रही है लेकिन सप्लाई साइड थोड़े से कंस्ट्रेंट्स हैं। okay. इसलिए बेसिकली ये जो बहुत नीचे बाजार चला गया था हमारा बीएमडी, अगर आपको याद हो 1700 रिंगेट पे चला गया था, 3700 पे, तो 3750 से उठ के अभी 3900 पे पहुंचा है। ये इसके रीजनेबल मेरे हिसाब से तो यही भाव सही है, 3800 के आसपास, तो उसी के आसपास चलेगा। फिर वो ड्यूटी वाली जो आपकी अभी जो बात थी बायोडीजल वाली, उसके बारे में तो इनकी बात कर रहा था, इंडोनेशिया में जो ब्लेंडिंग के रेट्स को बढ़ाया जाएंगे अगले साल, उसकी बात हो रहा था, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जैसा संदीप जी कह रहे थे। उनका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनका कहना है 50%, हम नहीं मानते 50% के लिए गाड़ियों में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन जो वो 40% की बात कर रहे हैं वो आज की डेट में इसलिए रीजनेबल लगने लगा कर सकते हैं क्योंकि वो 35% पे तो पहुंच ही गए। जो 20% से 30 की बात कर रहे थे तब भी सब लोगों को लग रहा था नहीं हो सकता नहीं हो सकता, अब वो 30 से 35 पे पहुंच गए और 35 से वो 40 पहुंचने की बात कर रहे हैं। मेरे जैसा मुझे लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा ये, कि जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए इंडोनेशिया में वो शायद ये उनको समझा रहे हैं कि अगर आप 10 मिलियन टन सीपीओ आपने बाहर कर दिया पूरे फूड मार्केट में से, उसका इम्पैक्ट है कि हमारा बीएमडी या हमारा पाम ऑयल का प्राइस आज 3800 रिंगिट है। इमेजिन करिए अगर वो 10 मिलियन वापस आ जाए बाजार में तो ये बाजार तो हमारा 1700 रिंगिट का हो जाएगा। तो इसलिए उनके वो 10 मिलियन निकालने से मलेशिया इंडोनेशिया में प्राइस बढ़ी। सोचिए अगर वो 5% और बनाएंगे और 1-2 मिलियन और चला जाएगा तो उससे बेसिक बेस प्राइस बढ़ेगा, बेस प्राइस बढ़ेगा तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये फूड और जो फाइट है फॉसिल फ्यूल की फाइट वो तो चलती रहेगी, लेकिन हर एक कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, तो मेरे हिसाब से 50% तो नहीं, लेकिन हाँ अगर वो 40% का टारगेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ करके अगले साल किसी टाइम तक 40% पे पहुंच जाएगी। तो 40% तक होने की संभावना आपको लग रही है। चलिए संदीप जी, अब एक मेरा सवाल ये होगा, 40% को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 1 जनवरी से इंप्लीमेंटेशन हो जाए। ओके संदीप जी, अब मेरा एक सवाल होगा घरेलू बाजार से रिलेटेड। भारत में अब इस तरह की खबर आ रही है कि जल्द सरकार यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी खाने के तेल पर बढ़ा सकती है, उसका वहां पे मलेशिया में इंडोनेशिया में पाम पर क्या असर होगा सर? देखिए अभी कुछ का चिंता कभी नहीं, देखना पड़ेगा कि ये ड्यूटी लाते हैं तो किससे लाते हैं, क्या ये खाली आरबीडी ओलिन के ऊपर स्प्रेड बढ़ा देंगे, अगर स्प्रेड बढ़ा देंगे तो सीपीओ की सप्लाई पे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अप हो जाएंगे क्योंकि सीपीओ उसका मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा हम सीजनली लोअर प्रोडक्शन मंथ से जा रहे हैं। मलेशिया में बस ये है सितंबर एट द मोस्ट अक्टूबर पीक प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लोअर प्रोडक्शन मंथ पे जाएंगे। इंडोनेशिया की सप्लाई जैसे नकुल जी ने भी बोला, इंडोनेशिया में सप्लाई सिचुएशन बड़ी टाइट है, प्रोडक्शन उतना वहाँ आ नहीं रहा है। SND के हिसाब से लेने तो अभी इंडोनेशिया में 0.5 मिलियन to 1 मिलियन टन नेट प्रोडक्शन में कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो सप्लाई सारी जो जो इंडिया में ओलियन का वापस आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सीपीओ, दैट मीन्स मोर अपसाइड फॉर द मार्केट से, क्योंकि सीपीओ का सारा एक्सपोर्ट मलेशिया को ही करना पड़ेगा। नकुल जी आपकी एनालिसिस इस पे क्या कहती है, अगर मान लीजिए अगर क्रूड ऑयल के अलावा अगर स्प्रेड को भी बढ़ाया जाए, क्रूड को भी और ऊपर ले आ जाए और रिफाइंड में ज्यादा बढ़ोतरी होती है, ड्यूटी स्ट्रक्चर में इस तरह के बदलाव होते हैं बढ़ते हैं, तो क्या असर होगा इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम मार्केट में? देखिए अल्टीमेटली सरकार वहां पे अगर बढ़ाना चाहेगी ड्यूटी तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सली बढ़ाएगी, वो सीपीओ पे भी बढ़ाएंगे वो ओलिन पे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बातें हम लोगों को सुनने मिल रही है वो ये है कि एमएसपी से नीचे चली गई है प्राइसेस, सरकार नहीं चाहती कि किसान को, अब जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम आने वाला है सितंबर एंड से चालू कर देंगे तो किसान किसी भी तरीके से दुखी हो, तो इसलिए वो अगर बढ़ाना चाहते हैं ड्यूटी तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़ेगी, मेरे ख्याल में सीपीओ पे भी बढ़ेगी, ओलिन पे भी बढ़ेगी, सोयाबीन पे भी बढ़ेगी, सनफ्लावर पे भी बढ़ेगी, सब तेलों पर बढ़ेगी। अब जब ड्यूटी बढ़ गई वहां पे तो इसका मतलब इंडिया के इम्पोर्ट्स थोड़े महंगे हो गए, मलेशिया इंडोनेशिया में इमीडिएट रिएक्शन तो आपने आज भी देख लिया और कल भी देख लिया, कल रिएक्शन था क्योंकि इंडोनेशिया में भी बात चल रही है वो शायद ड्यूटी स्ट्रक्चर रेशनलाइज करेंगे, तो हम जो 115 प्लस पे चल रहे थे 50 प्लस पे आ गए, आज जो सवेरे
इनिशियली बाजार चालू हुआ था बहुत प्लस में, उसके बाद अभी माइनस में बंद हुआ क्योंकि ये इंडिया न्यूज ने थोड़ा सा जोर ले लिया। लेकिन जैसा संदीप कह रहा है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी मीडियम टर्म में इनिशियली थोड़ा रिएक्शन आएगा कि हमारी प्राइसेस कम हो जाएंगी, लेकिन मीडियम टर्म में प्राइसेस वापस आ जाएंगी इन्हीं लेवल्स पे। Okay. वो क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड, सप्लाई की हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट रहेंगे, डिमांड चलती रहेगी, और अगर इंडिया वाले थोड़ा स्लो डाउन भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है। ओके तो आपको लग रहा है कि अगर वो इस तरह की न्यूज आती भी है ड्यूटी बढ़ने पर भी, नियर टर्म में तो एक रिएक्शन, नीजर जो रिएक्शन होता है वो दिखेगा, लेकिन आगे चल के मीडियम टर्म में फिर से भाव उसी लेवल पे आ जाएंगे। संदीप जी, अब आखिरी सवाल आपसे हो गया सोयाबीन को लेकर। बम्पर पैदावार की बात ग्लोबल मार्केट से भी हो रही है और साथ ही घरेलू बाजार में भारत में भी इस तरह की खबर है कि इस बार बम्पर पैदावार होगी। पुराना कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है और लगातार दाम नीचे आ रहा है। सोया तेल को लेकर आपका आउटलुक क्या है कीमतों के हिसाब से? सर मार्केट से फील मिल रहा है कि जो साउथ अमेरिका की प्रोडक्शन बम्पर है, सोयाबीन ऑयल में अपसाइड बड़ी कम लगती है, इसी के चलते चलते जो सोयाबीन ऑयल के नीचे प्राइसेस है, पाम को आप उससे रोक दिए, वरना पाम वो भाग जाता है। बट बिकॉज ऑफ सोयाबीन ऑयल कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है, आप थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई, अदरवाइज अपसाइड प्रोडक्शन को देखते हुए बड़ी लिमिटेड लगती है। ये सोया तेल को लेकर आपका प्राइस आउटलुक क्या है नकुल जी? देखिए, सोया ऑयल में जैसा कि हर बार ही सारे ज्ञानी बता देते हैं, सोया ऑयल 17% सोया ऑयल है सिर्फ बीज में। तो इंडिया की बात तो ठीक है, इंडिया तो एक्सपोर्ट करेगा ऑयल मील को, लेकिन अल्टीमेटली सोया मील को, लेकिन अर्जेंटीना वाले और ब्राजील वाले अगर उसको पूरे को क्रश करके जितना सीड में तेल दिख रहा है उतने तेल को अगर प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो बाकी सोया मील कहां जाएगा वर्ल्ड में? उसके तो लिमिटेड मार्केट ही है। और जहां पे हर बड़ी कंट्री में जहां पे जाता था, चाइना है, बाकी है, उनमें बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन तो चल नहीं रही है वर्ल्ड की। तो मेरे ख्याल में सोयाबीन ऑयल ने ऑलरेडी रिकॉर्ड लो लेवल्स पे चल रहा है अभी, इसमें और ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये दौड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसी तरीके से भी पड़ा रहेगा तो भी जो अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो ज्यादा गुंजाइश दिखती रही। अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, पिछले बहुत दिनों से हम लोग प्रीमियम पे चल रहा है पाम ऑयल, लेकिन पिछले महीने की जो स्टेटिस्टिक्स है वो 1.5 मिलियन जो शायद इंपोर्ट हुआ है, उसमें सोया ऑयल जितना है वो पिछले बार से ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाम को बहुत ज्यादा खाना चालू कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाना तो अर्जेंटीना से पड़ेगा, फिर अपने प्लांट ले जाना पड़ेगा, फिर रिफाइन करना पड़ेगा, फिर ला के बेचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों का लॉजिस्टिक्स एडवांटेज है पाम का, तो अपसाइड सोया ऑयल में नहीं ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, या ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनको क्रशिंग के कंस्ट्रेंट आ जाएंगे अल्टीमेटली। शुक्रिया नकुल जी आपका, संदीप भानसर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरी रिपोर्ट दे दी खाने के तेल के मार्केट को लेकर, पाम से लेकर सोया तेल और घरेलू बाजार पर उसके होने वाले असर को लेकर। चलिए शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवालों का नंबर कब आएगा। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, हरीश राही जी हैं और मनोज जैन हैं। पहले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए उनका सवाल है। मनोज जी क्या करना चाहिए कॉपर में, इनको आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या करें अब? पोजीशन में अगर ली हुई है तो बने रह सकते हैं। 822 तक के जो स्तर है वो सितंबर वायदा में एक बार देखने को मिल सकते हैं। 822 के आसपास मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए और यहाँ पे एक 811 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। 822 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विनय कुमार मिश्रा है लखनऊ से। कच्चे तेल को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 6,470 रुपए पर। हरीश जी बताइए क्या करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में 6,470 पर, क्या इनकी स्ट्रेटजी सही है या निकल जाए इस पोजीशन से? सर मुझे लग रहा है कि जो क्रूड में इनकी पोजीशन फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल सही है, और इसमें क्योंकि एक छोटा सा डिप या करेक्शन आने का उम्मीद है, लाइक 6430 या 6420 तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लेवल है जहां पर अपन फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, तो वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं और बुकिंग लेकर बाहर आ सकते हैं। और वहाँ जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं जो लोग बाय वन डिप करें, बिकॉज फंडामेंटली बहुत फेवरेबल है क्रूड इस वक्त,
क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वहां पर, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सजेस्ट करेंगे कि क्रूड में 6430 के आसपास हम बाय करें, और टारगेट्स हमारे 6510 इवन 6580 तक के भी हैं, और डाउनसाइड रिस्क हमारे पास 6350 है जो कि बहुत मेजर सपोर्ट है। ओके, आप भी मनोज जी इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन में ये बने रहें या निकल जाएं? बने रहें, बिल्कुल बना रहना चाहिए इनको, और 6430 पे प्रॉफिट बुक करें। ओके, हरी जी आपसे हो गया, आपके जवाब उनके पास पहुंच चुके हैं, मनोज जी से सिमिलर सवाल होगा, मनोज जी आप राय दें। यहाँ पे ज्यादा बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है विश्वमोहन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं और लीबिया से यहाँ पे उत्पादन में जो है हॉल्ट होने की खबरें निकल कर आ रही है, और उसी के चलते हमने बढ़त भी जो है कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए देखी है। आज शाम के सत्र में यहाँ से यूएस से कुछ डेटा भी आना है, तो उस समय थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी, तो अगर कहीं भी कीमतें 6420 से 400 के रेंजेस में आती है तो एक बार शॉर्ट की पोजिशन को कवर कर लेना चाहिए। ऊपर में भी यहाँ पे बढ़त की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए शॉर्ट में कोई भी गिरावट आती है तो निकलने की सलाह रहेगी। जी आपके एक फॉलोअर हैं राजेश महेश्वरी हैं राजस्थान से, पूछना चाह रहे हैं कि कमोडिटी में नई पोजीशन कहाँ बनाएं, कोई टॉप ट्रेड आपकी तरफ से अगर होगा जो इनको सलाह देना चाह रहे हैं आप? मुझसे सवाल है जी? जी मनोज जी आपसे सवाल था। यहाँ पे बेस मेटल में लेट ज्यादा अच्छा लगता है, और हमने देखा है कि काफी एक कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिल रहा है, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी ये मेटल ने दिखाई थी, और एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में भी यहाँ पे लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि लेड के सितंबर वायदा में 188 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, 186.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 191 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जी की ये राय यहाँ पर बन रही है, लेड इनको पसंद है 191 रुपए के टारगेट के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ प्रजापति है, चांदी के बारे में राय पूछ रहे हैं, बताइए हरीश जी चांदी में इनको क्या करना चाहिए प्रजापति जी को? सिल्वर में हम लोग उनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बताएंगे कि क्योंकि सिल्वर में जो करंट लेवल्स है बहुत ही टिपिकल रेंज में है सिल्वर, तो करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं बनती है, एक डिप का वेट करें, अराउंड 85,200 यानी कि 85,200 के आसपास हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे, और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स रहेंगे वो 85,900 और 86,200 के रहेंगे, वहीं जो डाउनसाइड रिस्क रहेगा वो 84,200 का रहेगा। अगले दर्शक है पीयूष जैन है, सोने चांदी में क्या करना चाहिए? पीयूष जैन के लिए गोल्ड और सिल्वर में आपकी राय क्या है मनोज जैन साहब? सोने और चांदी में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है विश्वमोहन जी, और हमने देखा है कि जिस तरह से जो जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयरमैन की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए गए हैं, उसके बाद एक अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी में देखने को मिल रही है, साथ ही यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी नरमी है, तो उसका भी एक सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना करके रखना चाहिए। सोने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 71,800 के स्तर पर बाइंग की जा सकती है, 71,550 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 72,300 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में जो दिसंबर वायदा है वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी, जो रेंज है बाइंग की वो 87,900 से 87,800 के आसपास रहेगी, स्टॉप लॉस 87,300 का लगाएं, और लक्ष्य यहाँ पे 89,200 तक के रखे जा सकते हैं। Okay, तो गोल्ड और सिल्वर पर आपको राय मिल गई होगी मनोज जी की तरफ से। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, निखिल मदन है, नेचुरल गैस में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप बताइए हरीश जी नेचुरल गैस में आपकी कॉल क्या है, इनके लिए कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए एनजी पर? सर नेचुरल गैस में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी वीकनेस दिख रही है, और हम लोग सजेस्ट करेंगे कि उसमें सेल ऑन राइज होना चाहिए, यानी कि हल्की सी एक बाउंस पे लाइक 179-180 के अराउंड हम लोग नेचुरल गैस में सेल सजेस्ट करेंगे, और 173 इवन 170 तक पे अपना सारा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वहां पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो सकती है बिकॉज बहुत मेजर सपोर्ट है, और वहीं इसका जो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 185 के अबव रहेगा क्लोजिंग बेसिस के बेस पर। ओके, तो आपके लिए कॉल आ चुकी है नेचुरल गैस की, यहाँ पर सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर बेचने की सलाह है 173 से 169 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल काउंटर कभी कभी काफ़ी स्विंग मूव आते हैं यहाँ पे, तो 185 के बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रबोध है मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है सोयाबीन को लेकर कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सोयाबीन के भाव क्या रहेंगे, फंडामेंटल्स पे काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपर्ट से चर्चा हुई है अभी सोयाबीन से लेकर पाम तेल पर, आप मनोज जी बताइए, आप सोयाबीन के बेल्ट से भी आते हैं एमपी से,
क्या इनको क्या राय देंगे अक्टूबर से दिसंबर के दौरान किस तरह की चाल रह सकती है सोयाबीन की? दाम तो अब काफी गिर चुके हैं, और भी गिरने की आशंका तो नहीं है? मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएसडीए का प्रोजेक्शन आया था कि प्रोडक्शन जो है इस बार बढ़कर आएंगे, और उसी के चलते हमने देखा था कि सीबीओटी जो है वो 950 सेंट के नीचे फिसलता हुआ नजर आया था, लेकिन हमने जब यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई और साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई, तो निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जो है सीबीओटी पर भी बनती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि अब जो लोज इंटरनेशनल मार्केट में बने हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और उसी के इनलाइन जो है भारतीय बाजारों में भी जो गिरावट देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं अब यहाँ आने वाले दिनों में थमती हुई नजर आएगी। हाँ, जब क्रॉप के अराइवल रहेंगे उस समय थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअली कीमतों में सुधार ही देखने को मिलेगा, और हमारा मानना है कि नवंबर दिसंबर तक फिर एक बार कीमतें जो है 5,000-5,200 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो शुरुआत में जब अराइवल्स रहेंगे उस समय थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअल रिकवरी कीमतों में यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अब प्रेशर कीमतों में भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर नहीं आएगा, और ग्रेजुअल यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक है अमित, है नासिक से। कच्चे तेल के 6,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदी है 178 रुपए में। मनोज जी, क्या इनको करना चाहिए? हालांकि शॉर्ट की पोजीशन यहां पर बनाने की सलाह हरीश जी दे रहे थे, क्या इस कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए इनको या निकल जाए? 6,500 के स्ट्राइक की कॉल 178 रुपए में खरीदी है। काफी मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है कच्चे तेल का वो पॉजिटिव ही है, बने रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा 40-50 रुपए का एक डिप जो है वो देखने को मिल सकता है कीमतों में, पर अगर ये 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब दो जवाब लेंगे। जय राम देवासी है, शाम के सत्र के लिए गोल्ड पर राय चाहिए, कॉल सिर्फ बता दीजिए हरीश जी। गोल्ड में हम लोग अगेन बाय ऑन डिप करेंगे, तो हमारा जो सजेशन रहेगा गोल्ड में 71,500 के आसपास हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे, और वहीं जो टारगेट है हमारे पास 72,200 और 72,500 तक भी है, और वहीं जो डाउनसाइड रिस्क रहेगा वो 70,900 रहेगा, और वो अपने आप में एक मेजर सपोर्ट है, तो क्योंकि उसके नीचे रहेगा तो फिर मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, परवीन है पुणे से। हल्दी में क्या करें? हल्दी में मनोज जी काफी भारी गिरावट आ गई है, क्या करना चाहिए परवीन जी को? हल्दी में विश्वमोहन जी, पिछले सप्ताह भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने बताया था कि यहाँ पे 14,000 से 13,800 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और आज इवन हमने 13,220 तक कीमतों को फिसलते हुए देखा था। हल्दी में ट्रेंड अभी भी ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव ही है, लेकिन काउंटर काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो एक थोड़ी रिकवरी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकती है 14,000 से 14,200 तक। तो यहाँ पे अगर ये लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, कहीं भी अगर रिकवरी आती है 14,200 के आसपास तो फिर वहां पे एक बार निकलने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह है आपके लिए हल्दी में। शुक्रिया मनोज जी आपका, हरीश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।